Hello everyone, you are welcome to Best Knows Tutorial and in this video we will be talking about Ash Wednesday. First of all, we will talk about the point of the poem and then background of the work Ash Wednesday. So first of all, let's talk about T.S. Eliot. Thomas Stern Eliot, this is his full name. This is his full Thomas Stern Eliot. And he was born on September 26, 1888 in St. Louis, Missouri. आप अगर सारी वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे तो आपको डेफिनेटली ये तो याद हो चुका होगा काफ़ी बार हम इस चीज़ को देख चुके हैं इफ़ यू टॉक अबाउट हिज प्रोफेशन सो ही वॉज पोइट प्लेट एंड लिटरी क्रिटिक अगर हम लिटरी क्रिटिक में इनके बेस्ट वर्क को देखें तो हेमलेट एंड हिज़ प्रॉब्लम ये उनका बेस्ट वर्क है एंड फॉर पोइट पॉइट तो हम उन्हें जानते ही हैं कि ही इज़ मॉडर्निस्ट पोइट और उनके जो बेस्ट वर्क हैं वो हैं आपका मैग्रम ऑपस जिसे हम कह सकते हैं द वेस्ट लैंड विच गॉट पब्लिश इन नाइनटीन टवेंटी टू एंड फोर क्वाट्रेट्स नाइनटीन फोटी थ्री एंड ही डिड सम एक्सपेरिमेंट इन डिक्शन स्टाइल एंड वर्सिफिकेशन एंड दैट रिवाइटलाइज्ड इंग्लिश पोइट्री डेफिनेटली क्योंकि हम अगर देखेंगे द वेस्ट लैंड हो गया फोर क्वाट्रेट्स हो गया या एस वैंसट भी आप देखेंगे तो जो डिक्शन है uh, वो काफ़ी चेंज है और इससे टी एस इलियट से बहुत सारे जो मॉडर्न पोइट uh, हुए हैं वो इंस्पायर हुए हैं इन 1948 ही वाज अवार्डेड बोथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर और 1948 में उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट और नोबल प्राइज़ दोनों के दोनों मिले थे यू टॉक अबाउट हिज फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशन सो दैट वॉज द लव सॉन्ग ऑफ जे अलफ्रेड परफ्रॉक एंड इट इज़ द फर्स्ट मास्टर पीस ऑफ मॉडर्निज्म and it represented a break. Why this poem is important? Uh it is represented it represented a break with the immediate past as radical as that of Samuel Tyler College, St. College and William Wordsworth in Lyrical Ballads. So a uh, way of poetry tha, या वे ऑफ राइटिंग पोइट्री था उससे उन्होंने एक ब्रेक जो लेके आए थे वो टी एस एलियट आए थे और वो जो वर्क था कि जिसमें ये ब्रेक हमें देखने को मिलता है वो था आपका लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड परफ्रॉक सम ऑफ अदर इम्पोर्टेंट वर्क्स बाय टी एस एलियट द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रफ्रॉग स्विनी अमंग द नाइट एंड ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट जैलनसन द मेटाफिजिकल पोइट्री नाइनटीन ट्वेंटी Hamlet, it's not Helmet, it's Hamlet and His Problems, 1920, The Wasteland, 1922, Hollow Man, 1925, Sweeney Agonist, 1926, The Journey of the Maggie, uh, it's uh, 1927, Ash Wednesday, 1930, we will be talking about this poem in this uh, in this video, Four Quartets, 1945, The Rock, Murder in Cathedral, 1935, The Family Reunion, and the cocktail party, the confidential clerk, and the elder statesman. so you can make a shortcut as we always uh, make, uh, like a confidential clerk had cocktail party, and because there was family reunion, but there was a murder in cathedral, and that mu murder happened with the rock, uh, four rock, you can say four rock, and he was burned to ashes after that. All right and sweeney agonist came after the journey of uh, maggie so you can write down the uh, you know uh, this uh, this short story type and you can connect that the hollow man killed that uh, that person in murder and because he was he did not have uh, you know he was uh, you can say he was with uh, hamlet that time so uh, in the same way

उसके बाद उन्होंने ये पोइम लिखी थी बेस्ड ऑन दांते इस प्रोकिटेरियो ये जो वर्क है अबाउट uh, जो वेंसडे है ये दांते के प्रोटेरियो से लिया गया है जब भी हम पोएट्री में पढ़ेंगे तो बहुत सारे हमें दांते का जो प्रोकटेरियो है डिवाइन कॉमेडी वाला पार्ट है उसमें से एग्जाम्पल आप लोगों को देखने को मिलेंगे द पॉइम एंड्स विद अ प्रेयर फ्रॉम सम आई एंड लेट मी क्राई लेट, लेट माई क्राई कम इन टू दी तो ये जो है ये भी प्रेयर वहीं से ली गई है द टाइटल रेफर्स टू एस वेंसडे द फर्स्ट ऑफ़ द फोर्टी डेज ऑफ लैंड तो ये जो लैंड होता है ये क्या है क्रिश्चैनिटी में फोर्टी डेज का एक फास्टिंग पीरियड मानते हैं और वो जो एंड होता है वो होता है आपका गुड फ्राइडे में वो आता है गुड फ्राइडे में फ़ोर्टी डेज का इट इज़ टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन सेक्रीफाइस रिपेंटेंस इन मैनी डिनिनेशन ऑफ क्रिशानिटी Uh, तो इसी टाइम ड्यूरेशन को उन्होंने एक एक तरह से मेटाफर लिया है और अपनी लाइफ को चेंज होने के लिए ये टाइम ड्यूरेशन दिया है द पोएम इज डिवाइडेड इनटू सिक्स सेक्शंस सो एस वे वाज द फर्स्ट मेजर पोएम एलियट रोड आफ्टर हिज कन्वर्जन इनटू एंग्लिकनिज्म सो हियर वन इम्पोर्टेंट फैक्ट इज यू शुड रिमेंबर that 1927 was the year when he got uh, converted and he got converted uh, from anglicanism uh, sorry uh, to anglicanism from unitarianism so aapko ek word yaad rakhna hai ki pehle wo kaun se faith unka tha unitarianism all right so, यहाँ से Unitarianism से वो चले गए थे किस में एंग्लिकनिज्म पे और एक और फैक्ट uh, है कि वो खुद को मानते थे एंग्लो कैथोलिक So, there is a famous uh, quotation you can remember about him that he says that I was classist, classicist, I was classicist in literature. He says I was classicist in literature and royalist, royalist uh, in politics and final which is important, he was Anglo-Catholic, Anglo-Catholic in religion this this part you should remember now let's come to come back to here uh, it was published 3 years after his conversion in 1930 so uh, you can remember the timeline uh, 1927 when he got converted and after 3 years uh, he wrote this poem uh, the title of the poem comes from christian fast day that marks the beginning of lent and uh, the this one as wednesday this this is the title of the poem and it start beginning of lent so as i told you the lent the period was uh, you know uh, 40 days of 40 days and the first day is ash wednesday and the last day is uh, the good friday okay good friday so we will see other effects as well uh, it taps into some of the major themes of eliot's work and life दिज इंक्लूड होप एंड डिस्पेयर सारी पोइट्री जो है वो है आपकी होप और डिस्पेयर से uh, शुरू होती है जो पोइट्री है और वो फाइनली किस में आती है कि जब उसका होप और डिस्पेयर चला जाता है समरी ऑफ एस वेंसडे लेट्स गो थ्रू दिस एंड देन वी विल सी दरिजिनल टेक्सट एंड इट्स एक्सप्लेनेशन एस वेंसडे बाई टी एस सिलेट इज कॉम्प्लेक्स सिक्स पार्ट पॉइम कंसर्न विद अ स्पीकर होप फॉर ह्यूमन सलोवेशन इन अमंग अमंगस्ट अ फेथलेस वर्ड तो ये सिक्स पार्ट में है ये पॉइम और इसमें जो मेन थीम है वो क्या है आपकी एक स्पीकर का जो होप है वो सालवेशन के लिए एंड ही ट्राइज हिज बेस्ट द पॉइम टेक्स द रीडर थ्रू स्टेज इन स्पीकर पे तो आप लोग देख सकते हैं कि जब ये पोइट्री को हम देखेंगे इन डेप्थ में तो उसमें अलग अलग स्टेजेस दिए हुए हैं और किस तरह से वो सालवेशन uh, तक पहुंचता है एट uh, फर्स्ट

हैज़ द पोम प्रोग्रेस ही गोज़ थ्रू अ सीरीज़ ऑफ मेटाफॉरिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो यहाँ पर बहुत सारे मेटाफर यूज़ किए हैं उन्होंने uh, जैसे कि फ़र्स्ट मैटाफर जो आप देखोगे वो होगा आपका बोन uh, मैंने अभी आपको बताया कि ओल्ड एज ईगल जो है उससे किया जाता है ट्रीज uh, से किया जाता है यू ट्रीज से तो बहुत सारे इसमें मेटाफर आप लोगों को देखने को मिलेंगे एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन विच ही इज़ इटन बाई वाइट लेपर्ड तो यहाँ पर वाइट लेपर्ड भी एक तरह से uh, सिग्नी okay, सिग्निफाई करता है किसी चीज़ को तो हम सारी चीज़ों को अभी देखेंगे तो मेटाफोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इस पॉइंट का इसलिए ये सारी चीज़ों पे मैं फोकस कर रहा हूँ दीज ट्रायल्स इम्प्रूव हिम एंड हेल्प हिम लिव बिहाइंड द सेंस ऑफ पास्ट और ये जितनी चीज़ें उसके साथ होंगी वो सभी उसके जो पास्ट में उसने आ, सिन किए हुए हैं आ, तो उन चीज़ों से उसे क्या मिल जाएगी मुक्ति मिल जाएगी बाई द टाइम ही रीचेज दिक्कस सेक्शन एस पेंस ही हैज चेंज और जब वो सिक्स सेक्शन में पहुंचेगा तो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा उसका जो फेथ है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और उसको अब कह सकते हैं कि फेथलेस वर्ल्ड से वो वर्ल्ड से वो क्या हो चुका है अब फेथफुल में कन्वर्ट हो चुका है ही हैज़ फेथ नाउ एंड ह्यूमन सर्वेशन नाउ सीम्स पॉसिबल एंड होपलेसनेस ऑफ द फर्स्ट सेक्शन हैज़ लेफ्ट द स्पीकर माइंड और होपलेसनेस चली जाती है तो ये एक समरी है पॉइम के बारे में ओरिजिनल टेक्स्ट को हम अभी पढ़ेंगे Uh, पूरा टेक्स्ट और इसी तरह से हम नियरली सिक्सटी पोइम्स वी विल बी कंप्लीटिंग इन दिस सीरीज़ सो स्ट्रक्चर ऑफ एश वे एशवेंसडे बाई टी एस इलियट इज़ अ सिक्स सेक्शन पोएम दैट इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू स्टेंजास ऑफ अन ईवन लेंथस तो एक चीज़ है कि ये सिक्स सेक्शन है लेकिन जो स्टेंजाज हैं उसमें सारे अन ईवन लेंथ्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे आगे दिसजाज आर क्वाइट डिफरेंट इन नंबर लाइन्स दे कंटेंट दोनों चीज़ें स्टेंजाज में जो लाइंस होंगी वो अलग अलग आपको लेंथ की मिलेंगी सम स्ट्रेच ऑल द वे ऑफ ट्वेंटी फाइव वाइल अदर आर ओनली वन और टू लाइंस लॉन्ग तो किसी में हमें ट्वेंटी फाइव लाइन्स तक भी मिलेंगे किसी में हमें टू और uh, सिर्फ वन और टू लाइन्स भी मिलेंगे नाउ लेट्स गो थ्रू सम पोइटिक टेक्निक यूज इन एसट्री तो इसमें अलिट्रिशियन का यूज़ इन जैबमेंट का और एनाफोरा का यूज़ हुआ है जो सबसे ज़्यादा है अगर हम अलिट्रिशन का यूज हमें पता है वी ऑल नो अकर्स वन वर्ड्स आर यूज इन सक्सेशन एक अगर कोई भी वर्ड अगर सक्सेशन में यूज हुआ है तो उसमें हम क्या कहते हैं अलिट्रीशन उसे कहते हैं या आर द एग्जाम्पल जैसे रिनाउंस और रिजॉयस ये काफ़ी जगह आप लोगों को मिलेगा ये फर्स्ट स्टेंजा में भी आप लोगों को मिलेगा देयर आर इंपॉर्टेंट टेक्निक कॉमनली यूज इन पोएट्री इज़ इंजैमेंट इंजैबमेंट क्या होता है इंजैबमेंट फोर्सेज अ रीडर डाउन टू द नेक्स्ट लाइन एंड द नेक्स्ट क्विकली यहाँ पे इंजैबमेंट में क्या होता है एक नेचुरल uh, जो स्टॉपिंग पॉइंट होता है उससे आगे वाली पॉइंट लाइन को पढ़ने के लिए जो रीडर है उसे फोर्स किया जाता है क्योंकि जो मीनिंग होता है वो नेक्स्ट लाइन में जाकर फॉर्म होता है सो वी विल सी दैट एज वेल वन हैज टू मूव फॉरवर्ड टू कम्फर्टेबली रिजोल्व ऑफ फ्रेज और सेंटेंस जो मैंने अभी आप लोगों को कहा कि अगर इंजैबमेंट किसी जगह पर है अभी हम इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे सो so, इंजैबमेंट uh, में ये होता है कि अगली जो लाइन है फर्स्ट जो लाइन है उसका जो मीनिंग होगा वो नेक्स्ट वाली लाइन से ही कंप्लीट हो रहा होता है दी ट्रांजिशन बिटवीन स्टेंजा वन एंड टू इन पार्ट सेकेंड वी विल सी इंजैबमेंट सो हियर नेक्स्ट वन इज एनाफोरा एनाफोरा जो है उसमें क्या होता है कि रिपिटिशन होता है जैसे बिकॉज आई डू नॉट होप ये आपको फ़र्स्ट में ही आपको रिपिटिशन देखने को मिलेगा जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे बिकॉज आई डू नॉट होप टू टर्न अगेन बिकॉज आई डू नॉट होप बिकॉज आई डू नॉट होप टू टर्न तो यहाँ पे आप लोगों को रिपिटिशन देखने को मिलेगा तो ये आप लोगों का एनाफोरा का क्या है एनाफोरा का एग्ज़ैम्पल है अब देखते हैं इसका जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको देखेंगे और एक्सप्लेनेशन पे प्रैक्टिस करेंगे Let's go through the text now. Ash Wednesday by T.S. Eliot. Because I do not hope to turn again, because I do not hope, because I do not hope to turn, desiring this man's gift and that man's scope, I no longer strive to strive towards such things. Why should the aged eagle stretch its wings? Why should I mourn the vanish? power of the usual rain. Because I do not hope to know the infirm glory of positive R, because I do not think, because I know I shall not know. The one veritable transitory power because I cannot think. Drink. There were trees flower and spring flows for there is nothing again because i know that time is always time and place is always place uh, and only place and what is actual is actual only for one time and only for one place i rejoice that things are as they are and I renounce the blessed face and renounce the voice because I cannot hope to turn again. Consequently, I rejoice, having to construct something upon which, uh, which to rejoice and pray to God to have mercy upon us and pray that I may forget these matters that with myself I too much discuss, too much explain because i do not hope to turn again let these words answer for what is done not to be done again may the judgment not to be too heavy upon us because these wings are no longer wings to fly but merely wings to beat the air the air which is now thoroughly small and dry smaller and drier than the will Teach us to care and not to care. Teach us to sit still. Pray for us sinners now and at the hour of our death. Pray for us now and at the hour of our death. So, in this section, the speaker is said to reject all worldly things. Let's come to the first part uh, where T.S. Eliot says, Because I do not hope, I do not, because I do not hope. And because I do not hope to turn, so here you will see the repetition. And repetition means whenever such repetition you will see, you will find their anaphora literary term. And here, if we talk about the theme, what the speaker is saying, so he is saying that I uh he wants to reject all worldly things. Now, let me tell you that uh. ही हैज़ चेंज्ड हिज फेथ टी एस एयर जो है उन्होंने अपना फेथ नाइनटीन ट्वेंटी सेवन में चेंज किया था एच वी एस सी एलियर जैसा कि हमने पहले देखा और यहाँ पर एक चीज़ है कि जब उनका फेथ चेंज हुआ जब कोई इंसान फेथ चेंज क्यों करता है क्योंकि उसे जो चीज़ फील uh, होनी चाहिए सेटिस्फैक्शन होना चाहिए वो नहीं होता उसे इसलिए वो फेथ चेंज कर देता है तो उसी चीज़ को शो किया गया है कि मैंने फेथ चेंज क्यों किया और कहाँ से मैं कहाँ पहुँचाऊँ क्या मुझे अचीव हुआ क्या नहीं हो रहा है पूरी पोइट्री में आपको यही चीज़ें देखने को मिलेगी बहुत सारी चीज़ों के थ्रू तो अब वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है राइट तो उसके स्पिरिचुअल फेथ चेंज हो रहा है सो वर्ल्डली थिंग्स को वो क्या कर रहा है वर्ल्डली थिंग्स जो हैं जो सांसारिक चीज़ें हैं दुनिया से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको क्या कर रहा है छोड़ रहा है राइट सो द स्पीकर इज सेट टू रिजेक्ट ऑल वर्ल्डली थिंग्स एंड इन द फर्स्ट टू स्टेंज आई रिजेक्ट द होप ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ वर्ल्डली डाइवर्जेंस एंड एनी पोटेंशियल फॉर जॉय इन एग्जिस्टेंस तो यहाँ पे क्या है कि आप देखो इन uh, लाइन्स को अगर आप देखेंगे डिजायरिंग दिस मीन्स गिफ्ट एंड देन मीन्स स्कोप आई नो लॉन्गर स्टाइप टू स्टाइप टू वर्ड थिंग्स वाई शुड द एज्ड ईगल स्ट्रेच इट्स विंग वाई शुड आई मॉन द वैनिश पावर ऑफ दल रेन तो यहां पे वो कह रहा है कि अब उसे किसी चीज के जॉय किसी खुशी की क्या है एग्जिस्टेंस का उसे कोई फीलिंग नहीं है एंड एक्नोलॉज दैट वंस वेरिटेबल ट्रांजिटरी पावर इज इनसब प्रोन टू फेडिंग अवे विथ थिन एयर हियर यू कैन सी बिकॉज आई डू नॉट होप टू नो द इनफॉर्म ग्लोरी ऑफ द पॉजिटिव सो यू कैन सी आई डू नॉट नो आई डो नॉट होप आई डो नॉट थिंक आई कैन नॉट ड्रिंक आई शेल नॉट नो आई डो नॉट थिंक सो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको नेगेटिव चीज़ें देखने को मिल रही है कि द स्पीकर रिजॉयस इन हिज ओन हेल्पलेसनेस टू चेंज द ह्यूमन कंडीशन रिजेक्ट्स द ब्यूटी ऑफ वर्ल्ड एंड इट्स टेम्पटेशन एंड कॉल्स अपॉन ह्यूमेनिटी टू प्रे टू गॉड टू हैव मर्सी अपॉन अस और क्योंकि फेथलेस वर्ल्ड में अभी वो है मींस उसका जो फेथ है वो जा चुका है और वो कहता है कि इस फेथलेस वर्ल्ड में अब वो कुछ आ, कोई भी जॉय वो फ़ील नहीं कर रहा है देयर आर वेयर ट्रीज फ्लावर स्प्रिंग फ्लो फॉर देयर नथिंग अगेन मींस ये सारी चीज़ें उसे आ, अब जॉय नहीं देती हैं एंड इफ़ वी सी दी फाइनल स्टेंजा वी विल सी द स्पीकर रिजेक्ट्स ऑल वर्ल्डली ड्रीम्स एंड एस्पायरेशन बिकॉज दीज विंग्स आर नो लॉन्गर विंग्स टू फ्लाई बट मेयरली व्स टू बीट द एयर जब हम नीचे देखे गए कि वो हमने लाइन देखी थी कि जो हमारे विंग्स हैं फेथ के विंग्स हैं वो हमें जॉय तक नहीं ले जाएंगे या भगवान तक उसे हम वो नहीं पहचा पहुंचा पाएंगे सो इन द फर्स्ट स्टेंज ऑफ वी सी दी होपलेसनेस तो पहली चीज़ आप लोगों को तो याद रखना है कि इसमें होपलेसनेस की बात हो रही है जब आप पूरा पढ़ते हुए चल रहे हैं इसको या आप खुद भी इसे पढ़ेंगे आप लोगों ने देखा होगा भी जहाँ पर हमने इसको पढ़ा तो होपलेसनेस आपको फील हुई होगी ही हैज़ नो होप दैट हिज लाइफ इज़ गोइंग टू चेंज एंड दैट विल अगेन फाइंड जॉय एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज फेथ उसने अपना जो फेथ है उसे उसने छोड़ दिया है and he states that he no longer strive to strive towards such things वो वर्ल्डली चीजों की तरफ नहीं जाना चाहता अभी हमने मैंने उस लाइन को आपको अंडरलाइन करके दिखाया था ऊपर uh, you will see that hopelessness show की गई है and he says that I no longer strive to strive towards such things the man feels as though his life and fate is out of his control there is no reason to fly and he is an age eagle यहाँ पे उसने खुद को किससे कंपेयर किया है आप आ, कह सकते हैं कि एक तरह से मेटाफर है ईस्ड ईगल से उसने कंपेयर किया है हु विल श्योरली राइट हु विल श्योरली नॉट रीच टू डेस्टिनेशन बिफोर इट्स डेथ और क्योंकि वो फेथलेस है और उसे ये विश्वास नहीं है कि जैसे आ, रिलीजन में यूजुअली हमें किसके पास जाना है गॉड के पास जाना है लेकिन जो इंसान है वो क्या है जो राइटर है स्पीकर है या हम कहीं के टी एस एट है डायरेक्टली वो आ, फेथलेस है उसे नहीं लगता कि जो ये ईज्ड ईगल ईज्ड ईगल उसने अपने फेथ को कहा है कि वो फेथ इतना कमज़ोर है वो विश्वास इतना कमज़ोर है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ईज्ड ईगल पूछा जा सकता है कि एज ईगल किसके लिए यूज किया गया तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं एक अपने फेथ के लिए हो सकता है या जो स्पीकर है खुद के लिए कहता है कि वो नहीं पहुँचेगा मैन इज सो डाउन ट्रोडन ही कैनॉट मोर्न दिस चेंज ऑल टुगेदर ऑल टुगेदर दिस लाइन्स डू फील वेरी मच लाइक मॉर्निंग और ये जितनी वो उसका है जितनी ये लाइन्स हमें पढ़ने को देख देखने को मिल रही है वो क्या है कि ऐसा लगता है कि वो इन चीज़ों में दुख ही मना रहा है मीन्स वो खुश नहीं है एंड द रिपिटिशन बिकॉज आई डू नॉट होप एट द बिगनिंग ऑफ द पॉइंट सेट्स द मूड फॉर द स्टेंजर्ड कोम और जब कोई कहता है आई डो नॉट होप टू टर्न अगेन या हम कहें कि आई आई डोंट हैव होप फ्रॉम लाइफ तो पूरे पूरी पोइट्री का मूड समझ में आ जाता है इवन दो देयर इज रिटर्न टू होप इन दिस सेक्शन ऑफ एस वेस्डे द मेजोरिटी ऑफ द पोइम इज परमिटेड विद द फीलिंग ऑफ होपलेसनेस और सारा हम देख सकते हैं कि सारे उसमें हमें होपलेसनेस uh, ही देखने को मिलती है द थीम ऑफ होपलेसनेस वी वी कैन सी ऑल ओवर द पोएम जो होपलेसनेस का है या हम कहें कि जो अनाउंसमेंट uh, है फेथ का वो हम देख देख रहे हैं एंड ही सेज दैट देयर वेयर ट्रीज़ फ्लावर स्प्रिंग फ्लोर्स फॉर देयर इज़ नथिंग अगेन और क्योंकि फेथ जा चुका है इसलिए उसे किसी चीज़ में क्या नहीं है uh, हम कहें वो रिजॉइस नहीं कर पा रहा है बिकॉज आई नो दैट टाइम इज़ ऑलवेज़ टाइम एंड प्लेस इज़ ऑलवेज़ प्लेस एंड ओनली प्लेस दैट एंड वॉट इज़ एक्चुअल इज़ एक्चुअल ओनली फॉर वन टाइम सो आई रिजॉय दैट थिंग्स आर एज दे आर एंड आर रिनाउंस द ब्लेस्ड फेज तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं एंड रिनाउंस दॉयस तो ये जो वॉइस है वॉइस को एक्चुअली गॉड की वॉइस से बात हो रही है कि जो चीज़ें उन तक पहुँचती हैं उन्हें भी वो छोड़ चुका है और ब्लेस्ड फेज का मतलब है खुशियों से जॉय से रिलेटेड है कि जॉय जितना उसे खुशी खुश होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है और जस्ट किस वजह से इसलिए क्योंकि उसने जो फेथ है उसे छोड़ दिया है एंड फाइनल स्टेंजर में आप देखेंगे ये सवाले में कि एंड प्रे टू गॉड टू हैव मर्सी अपॉन अस सो इस फोर्थ स्टेंजर में द फोर्थ स्टेंजर टेक्स द फॉर्म ऑफ अ प्रेयर यहाँ से प्रेयर uh, शुरू होती है और प्रे किस चीज़ के लिए कर रहा है टी सिलिये टेक्स द फॉर्म ऑफ अ प्रेयर एज ही आस्क गॉड टू हैव मर्सी अपॉन अस कि जो भगवान है गॉड है तो वो क्या करे हमारे ऊपर मर्सी शो करे एंड हेल्प हिम फो दैट विच ही डिस्कसेस टू फ्रिक्वेंटली विद हिमसेल्फ और जितनी चीज़ें हैं वो जिन चीज़ों को खुद से डिस्कस करता है उसको भूल जाए दीज आर द ह्यूमन मैटर्स फॉर ऑफ़ द हार्ट दैट आर कमिंग बिटवीन हिम एंड हिज फेथ और जितना जो वर्ल्डली थिंग्स है उनको क्या है आ, वापस उसके फेथ के बीच में लेके आ जाता है बार बार जो भी मैटर्स हैं दीज मैटर्स दैट विद माई सेल्फ आई टू मच डिस्कस जो मैं खुद से बहुत सारे डिस्कस करता हूँ कहने का मतलब ये है कि जो टी एस लीट है वो अपने फेथ की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है मीन्स फेथ को रिगेन करने की कोशिश कर रहा है नए तरीके से लेकिन क्या होता है जो वर्ल्डली मैटर्स हैं जो वर्ल्डली मैटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं जो सांसारिक बातें हैं वो उसको वापस खींच लेते हैं सो आई डू नॉट होप टू टर्न अगेन लेट दीज वर्ड्स आंसर और इनमें क्या हो आ, उसे मीन्स कहीं ना कहीं वो हेल्प ही सीकिंग हेल्प फ्रॉम गॉड कि उसे इस तरह से क्या किया जाए हेल्प uh, मिले और उसके ऊपर मर्सी शो किया जाए सो द इन फिफ्थ स्टेंज ऑफ वी कैन सी द ईगल रेफरेंस इन द फर्स्ट एंड द पावर एंड द लेक दियर ऑफ विंग्स तो ईगल जो होता है बाद जो होता है उसको क्या किया जाता है पावर के लिए सो मान के चलते हैं हम लोग कि वो बहुत पावरफुल होता है लेकिन वो कह रहा है कि बिकॉज दीज विंग्स आर नो लॉन्गर विंग्स टू फ्लाई जो मेरे विंग्स हैं वो क्या हैं अब उन उनके पास कोई पावर नहीं रह गई है वो उनको वो मुझे उड़ के नहीं ले जा पाते कहने का मतलब ये कि जो मेरा फेथ था वो इतना वीक हो गया यहाँ पे फिर से अगर पूछा जाए कि जो विंग्स हैं वो उस वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है तो विंग्स सिंपली किस चीज़ को कर रहे हैं वो फेथ को रिप्रेजेंट uh, कर रहे हैं बट मेयरली वस टू बीट द एयर और क्या कर रहे हैं वो अब सिर्फ फड़फड़ा रहे हैं मींस मुझे कहीं लेके नहीं जा सकते मेरा जो फेथ है बहुत वीक हो चुका है सो ही इज सीकिंग हेल्प फ्रॉम गॉड एंड दीज विंग्स कैन नॉट हेल्प हिम फ्लाई ही आस्क गॉड गॉड टू हेल्प द ह्यूमन रेस एंड टीचर्स व्हाट वी नीड टू नो टू मूव फेथफुली थ्रू लाइफ एंड ही सेज़ दैट टीच अस टू केयर एंड नॉट टू केयर टीच अस टू सिट स्टिल वो कहता है कि जो पूरी ह्यूमन रेस है जो इंसान है उसे ये सिखाया जाए ये बताया जाए कि जो पूरा हमारा फेथ है उसको हम किस तरह से स्ट्रोंग करें किस तरह से हम गॉड की तरफ को जा पाए द लास्ट टू लाइन्स इन दिस सेक्शन आर टेकन फ्रॉम एम मारिया और जो ये जो दो लाइन आप लोगों को लास्ट में दे देखने को मिलती हैं सो so, ये एक एक तरह का साम है एक तरह का सॉन्ग है उससे लिया गया है एंड द नेम ऑफ दैट इज़ एम मारिया सो ये चीज़ें पूछी जाती हैं सो यू कैन टेक नोट डाउन यू कैन नोट डाउन दैम सो लेट्स गो टू Uh, second part now. Section second. <clears throat> Section second. Lady, three white leopards set under a juniper tree in the cool of the day, having fed to satiety on my legs, my heart, my liver, and that which had been contained in the hollow round of my skull. And God said, "Shall there these bones live?" shall these bones live and that which has been contained in the in the bones which were already dry said chopping because of the goodness of this lady and because of her loveliness and because she honors the virgin in meditation we shine with brightness and i am here dissembled profit my deeds to oblivion and my love to the posterity of the desert and fruit of the gourd. In it is this which recovers my girds, the string of my eyes, and the indigestible portion which the leopard rejects, the lady is withdrawn. In a white gown. So you can see here in jabmin mint example. Dekhna chate okay, let's go through the first poem. In a white gown to contemplation. In a white gown. Let the whiteness of bones atone to forgetfulness. There is no life in them. As I am forgotten and would be forgotten, so I would forget. Thus, devoted, concentrated in purpose, and God said prophecy to the wind, to the wind only, for only the wind will listen. And the bones sank chopping, bones sank chopping with the burden of the grasshopper saying, Lady of silence, calm and distressed, torn and most whole rose of memory, rose of forgetfulness, exhausted and life giving worries, reposeful the single rose is now the garden where all loves add terminate torment of love unsatisfied the greater torment of love satisfied and of the endless journey to no end conclusion of all that is unconclusible speech without word and word of no speech grace to mother for the garden where all love ends under a juniper tree the bones sang scattered and shining we are glad to be scattered we did little good to each other under a tree in cool of the day with blessing of sand, forgetting themselves and each other united in the quiet of desert. this is the land which ye shall divide by lot, and neither division nor unity matters. nor, and neither division nor unity matters, this is the land we have our inheritance. In this uh, stanza, the speaker appeals to lady, the Mary figure, and introduces three white leopards that have been, uh, have eaten the speaker's flesh and releases his bones to sing, crediting the lady's goodness that his bones now shine with brightness. अब यहाँ पर क्या है दो तीन चीजें हम कहें कि metaphor कहें या extended metaphor ऐसे कहा जाता है तो आप लोगों को थोड़ा से ध्यान से ऐसे देखना है पहली चीज है white leopards और व्हाइट लेपर्ड्स के बाद में एक चीज़ और है बोन्स की बात की जा रही है ठीक है बोन्स तो ये क्या क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं तो वो जो व्हाइट लेपर्ड है वो क्या है उसी को एक लेडी भी उसको कहा जा रहा है यहाँ पे और जो लेडी है उसे मैरी जो है उसका फिगर मान के चल रहे हैं हम मैरी जो है मैरी फिगर है कौन है व्हाइट लेपर्ड को व्हाइट लेपर्ड ने क्या किया है जो जो फ्लैश है उसे खा लिया है मीन्स जो वाइट लेपर्ड है राइट right? तो वाइट लेपर्ड कितने लेपर्ड, है? थ्री लेपर्ड हैं थ्री लेपर्ड्स हैं थ्री लेपर्ड्स क्या है वो लेडी जो है मैरी फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं और उन्होंने जो फ्लैश है उसे खा लिया है तो अब वहाँ पर क्या बच गई है सिर्फ बोन्स बच गई हैं जो राइटर है उसके सिर्फ बोन्स बच गई हैं फ्लैश जा चुका है अब इसको क्या किया गया है कि जो फ्लैश है तो फ्लैश को माना गया है वर्ल्ली थिंग्स मतलब सांसारिक चीज़ें अब वो जो सांसारिक चीज़ें हैं उसे खा लिया गया है और अब क्या बची हुई है सिर्फ बोन्स बची हुई हैं जो कि क्या कर रही हैं स्कैटर कर रही हैं चर्प कर रही हैं बातें कर रही हैं ठीक है ठीके? तो और एक दूसरे से अलग अलग हो चुकी हैं मींस बंधनों से अब वो मुक्त हो चुकी हैं तो कहने का मतलब है जो लेडी लेडी फिगर या हम कहें वाइट लेपर्ड्स जो बताए गए हैं तो उन्होंने क्या किया है जो राइटर है उसको ये जो वर्ल्डली थिंग्स है सांसारिक चीज़ें हैं उनसे मुक्त कर दिया है तो आप लोग देख सकते हैं कि एक चीज आती है इंग्लिश लिटरेचर में हम बोलते हैं एक तो होता है मेटाफर एक होता है एक्सटेंडेड मेटाफर ठीक है तो एक्सटेंडेड मेटाफर का मतलब क्या होता है एक्सटेंडेड मेटाफर का मतलब होता है कि जहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं मेटाफर uh, की लेकिन मेटाफर कुछ अनयूजुअल होता है जैसे कि हम यहाँ पर ही देखें कि वाइट लेपर्ड हो गया तो वाइट लेपर्ड का जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो लेडी मैरी से किया जा रहा है मैरी फिगर से किया जा रहा है तो ऐसा यूजुअली होता नहीं है ठीक है तो जैसे मैं आपको कहूँ कि आ, इन केस जैसे हम बोलते हैं कि यू आर माय मून ठीक है आप मेरे चांद हो लेकिन इन केस मैं आपको कहूँ कि आप मेरे आ, आप मेरे ग्लास हो ठीक है मीन्स आप मेरा चश्मा हो जिसके के बगैर मेरा काम नहीं चलता तो यूजअली प्यार में लोग इस तरह की मेटाफर यूज़ नहीं करते बोलते हैं यू आर माई रोज़ यू आर माई मून ये तो कॉमन चीज़ें हो गई बट ऐसा कोई नहीं कहेगा कि यू आर माई स्पेक्स ठीक है कि तुम तो मेरे चश्मे हो अब ऐसा कोई फ़न वे में या फ़नी वे में कह दे तो इसका मतलब ये है कि ये है तो मेटाफर लेकिन ये एक्सटेंडेड मेटाफर की क्वालिटी में आता है तो इस तरह से जो मेटाफर है अनयूजुअल है उसे हम एक्सटेंडेड मेटाफर कहते हैं तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें सो इन द सेकंड सेक्शन ऑफ एशवेंटी इट बिगिंस विद वेरी इवोकेटिव इमेज अब यहाँ पे इमेजरी भी आ जाता है अगर हम बात करें कि uh, इस उसमें कौन सा कौन सा लिटरेरी टर्म यूज़ हो रहा है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मेटाफर भी यूज़ हो रहा है एक्सटेंडेड मेटाफर भी हम इसे कह सकते हैं हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ पे इमेजरी भी यूज़ हो रहा है अब इमेजरी कहीं पर क्या होती है इमेजरी शायद किसी को पता ना हो तो इमेजरी मैं आप लोगों को बता दूँ कि इमेजरी क्या होता है जहाँ पर कि हमें पढ़ते हुए एक इमेज हमारे दिमाग में बनने लग जाए जैसे कि हमने पढ़ा लेडी ठीक है लेडी थ्री white leopards सेट अंडर अ जूनिफर ट्री अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि जूनिफर ट्री किस तरह की दिखती है बट एक इमेज इमेजरी बन रही है कि एक ये पेड़ होगा यहाँ पे क्या है थ्री लैपर्ड्स यहाँ पर होंगे ओके और वो क्या कर रहे हैं बोन्स को खा रहे हैं फ्लैश को खा रहे हैं ठीक है तो एक तरह का इमेजरी एक इमेज बन रही है तो वहीं पे इमेजरी होती है तो यहाँ पर इमेजरी भी देखने को मिल रही है द पॉइट क्रिएट्स सीन ऑफ थ्री वाइट लैपर्स दैट्स इट अंडर नीथ द जूनिफर ट्री कौन सी ट्री की बात हो रही है जूनिफर ट्री के बारे में बात हो रही है क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं He appeals to Lady, a Mary-like figure, while crafting an extended metaphor depicting the leopards eating his speaker's body. तो so, अब आप आपको समझ में आ गया होगा कि extended metaphor क्या है और जो Lady है, Mary-like figure है, उसको extended metaphor के तहत उसने क्या किया है? White leopard से comparison किया है। He states very clearly, unusual for Eliot, that they एट दर्स लेग्स हार्ट लीवर एंड ऑल तो नीचे जाके आप देखेंगे यहाँ पर आप लोग देखिए कि ऑन माई लेग्स माई हार्ट माई लीवर एंड दैट विच हैज़ बीन कंटेन इन दी हॉलो राउंड ऑफ माई स्किल एंड गॉड सेट शेल दिस बोन्स लिव तो यहाँ पे उसने क्या क्या कह रहा है कि वो सारी चीज़ें खा चुके हैं कहने का मतलब वर्ल्डली चीजें अब जा रही हैं एंड इन दॉलो राउंड ऑफ माई स्किल दे कंज्यूम्ड हिज होल बॉडी ब्रेन इंक्लूडेड सारी चीज़ें वो खा चुके हैं एंड uh, फिर यहाँ पे क्या है कि दोबारा से वो भगवान से कहता है गॉड से कह, आप पूछता है विल दीज बोन लिव क्या ये जो बोन्स हैं वो जीती है तो इन द आंसर द बोन स्पीक्स तो जो बोन्स हैं वो बताती हैं उसको दोबारा से बोन कहती है एंड थ्रू दिस वेरी अनयूजअल यूज़ ऑफ़ पर्सोनिफिकेशन इलियट अलाउज़ मैरिज वॉइस टू इमर्ज फ्रॉम बोन्स शाइनिंग अप ब्राइटनेस अब यहाँ पे क्या है एक चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे नीचे कि वो ब्राइटनेस को कहता है मींस जो बोन्स हैं वो पर्सोनिफिकेशन है ओके okay? तो वो कहते हैं कि मतलब जो पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर क्या है पर्सोनिफिकेशन है ब्राइटनेस ब्राइटनेस वर्ड क्या है वाइल वी शाइन विद ब्राइटनेस तो ब्राइटनेस भी क्या है यहाँ पे मैरी की वॉइस ठीक है मैरी की जो लेडी मैरी है उसकी वॉइस का पर्सोनिफिकेसन है और कहते हैं कि दे आर स्टिल अलाइव विद पावर और वो कहते हैं कि यस वी आर अलाइव हमारे अंदर क्या है पावर है द स्पीकर डिवोर्ट्स इनसेल्फ टू द फ्यूचर ऑफ द डिज़र्ट एंड डेजर्ट एंड द फ्रूट ऑफ द गोर्ड रिलीजियस सिम्बलिज्म फिल्स दीज लाइन्स यहाँ पे हमें रिलीजियस जो सिम्बलिज़म है पूरा देखने को मिल रहा है तो आपने देखा होगा कितनी चीज़ें यहाँ पे हो गई है एक तो आपको एक्सटेंडेड मेटाफॉर पता चल गया ठीक है और दूसरा पर्सोनिफिकेशन आप लोगों ने यहाँ पे देखा और इमेजरी यहाँ पे इमेजरी का एग्जाम्पल आप लोगों के पास है इसके आगे अगर हम और इन डेप्थ में जाएँ तो रिलीजियस सिम्बलिज़म हमें देखने को मिल रहा है जैसे मैरी फिगर हो गया बोन्स हो गए जिस चीज़ों को क्या कर रहे हैं रिप्रेजेंट uh, कर रहे हैं और जो वाइटनेस है या ब्राइटनेस है अगर हम ब्राइटनेस की बात करें वाइटनेस या ब्राइटनेस की बात करें तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है ये रिप्रेजेंट कर रही है वाइटनेस जो होता है वो प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है कहने का मतलब ये है कि अब क्योंकि फ्लैश बाकी चीज़ें तो खा चुके हैं जो मैरी है उसने उनको अलग कर दिया है तो अब बचा क्या वहाँ पर सिर्फ ब्राइटनेस बचा हुआ है प्योरिटी बची हुई है चेस्टिटी बची हुई है तो इट इज़ कनेक्टेड विद द बोन्स द स्पीकर विच हैज़ बीन लेड बी डिवॉइड ऑफ देयर सिन अब जो फ्लैश था वो किससे रिलेट मतलब वो किस चीज़ का मेटाफर था वो था फ्लैश जो है या जो बोन के चारों तरफ जो चीज़ें चिपकी थी वो थी सिन जो उसके पाप थे अब वो धुल चुके हैं राइट सो इन दिस यू कैन सी दैट एंड द लास्ट लाइन ऑफ दिस स्टेंजर इज इंजैम्ब ठीक है इन्जैम्ड का मतलब होता है आ, लास्ट वाली लाइन को देख लेते हैं इंजॉयमेंट इंजॉयमेंट जो लाइंस होती हैं उसमें हम डायरेक्टली जो नेक्स्ट लाइन होती है उसमें हमें जाना पड़ता है मीनिंग को फाइंड आउट करने के लिए सो हियर यू कैन सी दैट एंड हियर डिसम्बल्ड प्रॉफर माई डीड्स टू ऑबल एंड माई लव टू पॉस्टोरिटी ऑफ दिस डेजर्ट तो यहाँ पे जो डेजर्ट है वर्ड uh, डेजर्ट को साइलेंस के लिए यूज किया गया है डिसम्बल्ड वर्ड यूज किया गया है कि जो बोन्स uh, हैं वो अलग अलग हो चुकी हैं माई गर्ड्स स्टिंग ऑफ माई आइज एंड इनडाइजेस्टिबल पोर्शन विच लेपर्ड रिजेक्ट लेपर्ड ने क्या किया है जो हम कहें कि जो लेडी है उसने क्या किया है कि इन चीज़ों को छोड़ दिया है और अब वहाँ पर सिर्फ बची हुई हैं बोन्स और बोन्स के साथ साथ में लास्ट में अगर हम देखें तो दो चार वर्ड्स हैं जिनको आप लोगों को समझना है एक तो जो है यहाँ पे साइलेंस साइलेंस से मतलब ये है कंटम्पलेशन से मतलब है कि अब क्या है सिर्फ बोन्स बची हुई है और बाकी चीज़ें यहाँ से जा चुकी हैं और अब वो धीरे धीरे फेथ को गेन कर रहा है गॉड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है

डिवाइडेड बाई लॉट बट द डिविज़न इन दिस मैटर डज नॉट मैटर अब क्या है क्योंकि वो जो डिविज़न हुआ है जो बोन्स अलग अलग हो चुकी हैं जो जो सांसारिक चीज़ें वर्ल्डली चीज़ों से अलग हो चुका है वो डिवीज़न जो है वो मैटर नहीं करता क्योंकि अब वो धीरे धीरे क्या जा रहा है धीरे धीरे सेटिस सेटिसफैक्शन उसको होने वाला है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अंडर अ जूनिफो ट्री द बोन्स एंड स्कैटर्ड एंड शाइनिंग अब क्या कर रही हूँ गा रही हैं स्केटर्ड हैं फैली हुई हैं अलग हो चुकी हैं वर्ल्डली थिंग्स से और शाइनिंग और शाइन कर रहे हैं शाइन का मतलब यह है कि अब उनके अंदर धीरे धीरे प्योरिटी आ रही है सो विद दिस वी एंड दिस सेकेंड सेक्शन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट वन नाउ नाउ इट्स थर्ड सेक्शन एंड लेट्स गो थ्रू दर्स्ट At the first turning of the second stair, I turned and saw below the same shape twisted on the banister under the vapor in the fetid air, struggling with the devil of the stairs who wears the deceitful face of hope and of despair. At the second turning of the second stair, I left them twisting, turning below. There were no more faces, and the stair was dark, damp. Jacked like an old man's mouth, driveling beyond repair, or the toothed gull gullet of an eased shark. At the first turning of the third stair was a slotted window below, bellied like a fixed fruit, and beyond the wuthering blossom and pasture scene, the broad backed figure dressed in blue and green. Enchanted the Maytime with an antique flute, blown hair is sweet, brown hair over the mouth blown, lilac and brown hair. Distraction, music of flute stops. They step up the mind over the third stair, fading, fading, strength beyond hope and despair. Climbing the third stair, Lord, I am not worthy. Lord, I am not worthy. बट स्पीक दर्ड ऑनली सो आप लोगों ने देखा होगा कि फिर से यहाँ पर रिपीटिशन आप, आप लोगों को देखने को मिल रहा है सो इफ वील गो थ्रू दमरी ऑफ दिस सेक्शन दर्ड सेक्शन सो लेट्स कम टू द फर्स्ट पार्ट फर्स्ट या सो इन सेक्शन थर्ड द स्पीकर क्लाइम्स द स्टेयर्स एंड लुक्स बैक ऑन हिज पास्ट टेसन तो यहाँ से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ही इज जस्ट इमेजरी आप लोग कह सकते हैं कि जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है स्टेयर uh, को क्लाइम कर रहा है एंड ही लुक्स बैक ऑन हिज पास्ट और जब वो ऊपर चढ़ने के बाद नीचे को देखता है तो अपने पास्ट की तरफ देख रहा है एंड पास्ट टेम्पटेशंस जो उसकी लाइफ में रहे सेल्फ डिसीट uh, खुद को हम कहें कि खुद को ही धोखा देना एंड डिस्पेयर निराशा और लस्ट एट द फर्स्ट टर्निंग ऑफ द सेकेंड स्टेयर जब वो फर्स्ट uh, अपना एक फर्स्ट स्टेयर में चढ़ता है और वापस वहाँ से देखता है ही लीव्स द डेवल एंड पास ट्विस्टिंग टर्निंग बिलो एंड एंट्रेस डार्कनेस और वहाँ से वो क्या करता है कि जब वो पीछे देख रहा है तो उसको फिर से वही uh, अंधेरा अपनी लाइफ में दिखाई देता है देन ही मेक्स अ डायरेक्ट अपील टू गॉड टू टीचर्स केयर एंड नॉट टू केयर टीचर्स टू सिट स्टिल तो यहाँ से वो कहता है यहाँ पे आप सेकंड स्टेंजा में आ जाते हैं हम और वो कहता है कि हमें क्या करो टीच करो कि हम किस तरह से स्टिल शांत हो जाए सो इन फर्स्ट स्टेंजा वी हैव सीन दैट एंड ही सेज दैट व्हेन ही गोज़ अप साइड ही इज स्ट्रगलिंग विद डेविल

Uh, सीढ़ी पर जब स्टेर में वो चढ़ता है तो पीछे वो देख रहा है अपनी लाइफ को फिर से पीछे मुड़ कर देख रहा है देयर ही कैन नो लॉन्गर सी द ट्विस्टिंग टर्निंग बिलो एंड इट वॉज ऑल डार्क नीचे जब वो देखता है तो उसे डार्कनेस दिखाई देती है इलियट यूज़ दी पावरफुल सिम्बली फॉर एन ओल्ड मैंस माउथ द साइट ऑफ द स्टेक केस बिलो द स्पीकर तो इसी तरह से क्या होता है कि कई बार हमें चीज़ें पूछी जाती हैं कि uh, यहाँ पे उन्होंने जैसे इस लाइन में पूछ लिया जाए कि जो ओल्ड माउथ ड्रिवलिंग ये है ये कौन से आ, हम कहें कि आ, कौन सा लिटरेरी टर्म है तो यहाँ पे आप लोगों को सिमली लिखना है तो ये है आप लोगों का सिमली तो इसी तरह से क्या होता है कि कई बार हमें चीज़ें पूछ ली जाती हैं तो डिटेल में जब हम डिस्कशन कर ही रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं तो डैम जैक लाइक लाइक एंड तो यहाँ पे पहले ही आपका वर्ड लाइक है सो यू कैन सी दैट कि यहाँ पर सिमली है सो so इलियट क्या करता है एक uh, सिमली यूज करता है किसकी ओल्ड मैंस माउथ की डिपिक द साइट ऑफ द स्टेट है बिलो द स्पीकर कि नीचे जो है वो क्या है एक बूढ़े इंसान के मौत की तरह दिखाई दे रही हैं उसको नीचे की सीढ़ियाँ और जो ये पूरा पार्ट है ये दांते दांते का जो वर्क था पगटेरियो ना कि इसको मैं लिख लेता हूँ पगटेरियो क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें डिटेल में रह जाती हैं और फिर हमारा जो इंटरेस्ट है लिटरेचर के लिए वो भी बढ़ता जाता है तो ये दांते का जो प्रगटेरियो वर्क था उससे लिया गया था और हाँ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना भूल गया था कि ये जो था ये ए मारिया से लिया गया एग्जैक्टली exactly. सो so, ये जो वर्क है ए मारिया ओके okay, मारिया सो so इससे ये लिया गया था लेट मी टेल यू अगेन तो ये पूरा का पूरा जो था ये मारिया से लिया गया था नीचे वाला दांते के प्रगटेरिया से लिया गया है एंड दिस सेक्शन ऑफ द डिवाइन कॉमेडी इन विच दांते इज़ अप टू स्टेयर आउट ऑफ हेल एंड इन टू द रियल गॉड तो ये जो स्टेयर का आइडिया है टी एस एलियट को मिल रहा है कि ये स्टेयर वाला आइडिया था तो एक डिवाइन uh, कॉमेडी जो सेक्शन है दांते का उससे उन्होंने उसमें क्या होता है कि जो दांते है वो हेल uh, से Uh, कहाँ चला जाता है सीढ़ियों से अगर ये हेल्थ था तो यहाँ से सीढ़ियों से वो कहाँ चला जाता है गॉड के पास में चला जाता है तो ये जो इंसिडेंट इसमें होता है पर्गटेरियो में तो उसी से टी एस इस सेक्शन को लेता है नाउ लेट्स कम टू दर्ड वन हियर इन दर्ड टर्निंग ऑफ द स्टेयर लुक्स आउट द विंडो ठीक है तो यहाँ पे दोबारा से वो क्या करता है uh, एक तरह से मेटाफर ले रहा है वी हैव गॉन थ्रू दिस वन फ्रॉम दैट लोकेशन यहाँ पे विंडो की बात हो रही है देखिए ऊपर अब आपको ये पोइट्री के जो होंगे देखिए कि क्या होता है कई बार हम पहचान नहीं पाते कि ये जो पोइम का सेक्शन है ये कहाँ से लिया गया लेकिन अगर आप इस तरह से भी देखेंगे कि विंडो की बात हो रही है ओल्ड एज एक माउथ की बात हो रही है किसी और चीज़ की बात हो रही है तो आप लोग स्टेयर केस की बात हो रही है तो आप एश वेंस्टे से उसको कनेक्शन कर पाएंगे अगर आप इसे पूरा पूरा देख लेंगे तो इस वीडियो को तो देखते हैं फ्रॉम दैट लोकेशन ही कैन सी ब्रॉड बैकड फिगर तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है ब्रॉड बैकड फिगर की फिर से बात हो रही है ड्रेस्ड इन ब्लू एंड ग्रीन ही इज इंचांटिंग एवरीथिंग अराउंड हिम विद ही स्वीट हेयर एंड माउथ द ब्राउन कलर इंफोसाइज विद इन देंजर पेन हैज़ ऑलवेज बीन अ सिंबल ऑफ अनरे रेस्ट्रेंड लस्ट एंड एज द स्पीकर क्लाइम्स पास्ट विंडो ही इज़ लिविंग दैट पार्ट हिमसेल्फ बिहाइंड एज वेल तो जब पीछे देखता है तो उसे एक ब्रॉड बैक्ड फिगर दिखाई देता है और जो कि क्या है एक ब्रॉड फिगर का मतलब है कि जो उसकी लस्ट है ठीक है वो बहुत हम कहें कि अन अनरेस्टिन लस्ट की बात हो रही है कि मतलब उस पर कोई कंट्रोल नहीं है ये उसे दिखाई दे रहा है पास्ट में एंड द सेक्शन एंड्स विद स्पीकर डूइंग हिज बेस्ट टू कंटिन्यू रेजिस्टिंग सिन वाइल्ड प्रेइंग टू गॉड फॉर स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी टू स्पीक द दर्ल्ड ओनली और नो ओनली क्राइस्ट एंड हिज रेवोल्यूशन तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो जब वो पीछे देखता है बार बार पीछे देखता है तो उसे चीज़ें दिखाई दे रही तो एक जो ब्रॉड बैगड फिगर है वो इसलिए उसको इंचांड कर रहा है लस्ट की तरफ ले जा रहा है तो फिर वो कहता है कि यहाँ पे आप देखो ब्राउन हेयर स्वीट ब्राउन हेयर ओवर द माउथ ब्लोन लाइलेक एंड ब्राउन हेयर यहाँ पे वो बोल रहा है डिस्ट्रैक्शन वो क्या कर रहा है डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि जब जो टी एस एलियट है ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन पीछे जब वो देखता है तो वहाँ पे उसे म्यूज़िक ऑफ फ्लूट सुनाई देता है तो वो वापस उसे खींचने की Uh, कोशिश कर रहा है कि ऊपर ना चढ़े क्योंकि गॉड जैसा कि हमने देखा कि दांते का जो डिवाइन कॉमेडी वाला पार्ट था उसमें तो वो कहता है कि लॉर्ड आई एम नॉट वर्दी लॉर्ड आई एम नॉट वर्दी बट स्पीक दे वर्ड ऑनली तो वो कहता है कि गॉड से वो बोल प्रे कर रहा है कि मुझे क्या करो कुछ ऐसे शब्द बोलो कि जिससे कि मैं वापस आ जाऊँ With this, we end the third part, and here is the fourth part. Who walked between the violet and the violet? When walked between the various ranks of varied green, going in white and blue, in Mary's color, talking of travel things in ignorance and knowledge of eternal dollar? Who moved among the others as they walked? Who then made strong the fountain and made fresh spring? made cool the dry rock and made form the sand in blue of larkspur blue of mary's color son was here are the uh, let's read from here here are the years that walked between bearing away the fiddles and the flutes restoring one who moves in the time between sleep and waking Wearing white light, folded, sheathing about her, folded the new year work, restoring through a bright cloud of tears the years, restoring with a new verse and ancient rhyme. Redeem the time, redeem the unread vision in the higher dream, while jeweled unicorns draw by the gilded hairs. The silent sister veiled in white and blue. Between the ears, behind the garden god, whose flute is breathless, bent her head and sighed. But he spoke no word, but the fountain sprang up and the birds sang down. Redeem the time, redeem the dream, the token of the word unheard, is spoken, unspoken, till the wind shake a thousand whisper from the yew. and after this our exile.

In Mary's colour and stressed both her ignorance and her knowledge as well as her ability to make things up warm. She walks walks in a realm between sleep and waking in a as a vision of light, veiled and silent among the yews, where birds reveal the vision of transcendence of higher dream. To Puraham de K is mito higher Joe Uchi Uski is the हायर ड्रीम की तरफ वो बढ़ता है इन दी फर्स्ट स्टेंजर ऑफ एस वे ही बिगिनस विद द स्पीकर डिजाइनिंग द लेडी टू हूम मेनी ऑफ द प्रीवियस लाइन्स एंड स्टेंजर्स वर डेडिकेटेड तो यहाँ पे क्या है कि अब मैरी जो है उसको एज अ लेडी और उसका मैनिफेस्टेशन किया जा रहा है और उसको किस तरह के कलर में कलर दिया गया है ब्लू एंड वाइट Blue and uh, white, they are Mary's color. They speak us about travel things because she is ignorant and eternal, dollar or sorrow. And the lady who is Mary, who is, is, she? She is ignorant, for things. but the lady has a power the speaker is in awe of, and she guides him just to Beatrice guided Dante in Divine Comedy. So, here is what is the डिवाइन कॉमेडी है दांते की उसमें उसी तरह से पूरा क्योंकि ये प्रगटेरिया पे बेस्ड है तो उसमें डिवाइन कॉमेडी में बीट्रिस को क्या करता है बीट्रिस गाइड करता है दांते को तो इस तरह से मैरी गाइड कर रही है किस को टी एस इलियट को हाइयिजिन की तरफ सो इन द नेक्स्ट सेक्शन यू कैन सी दैट ही ही सीज दैट ही हैज़ टेकन द फिडल्स एंड द फ्लूट्स अवे जो जब वो नीचे की तरफ uh, देखता है तो उसे मैरी दिखाई दे रही हैं जो कि क्या कर रही हैं चीज़ों को शी इज़ टेकिंग अवे द फिडल्स एंड द फ्लूट यहाँ पर एक और चीज़ है एक वर्ड uh, वो यूज करते हैं लेट uh, मी शो यू सोविग्ना वॉस सोविग्ना वॉस का जो लिया गया है ये फिर से वहीं से दा दांते के डिवाइन कॉमेडी से लिया गया है और इस फ्रेज़ का मतलब होता है यू शुड रिमेंबर ओके मतलब इसका अगर हम ट्रांसलेशन देखें तो यू शुड रिमेंबर होता है कई बार पूछ लिया जाता है कि इसका मतलब क्या है इसका मीनिंग क्या है और द लेडी मूव्स थ्रू द दर्ल्ड्स एंड फिडल्स एंड फ्लूट्स सिंबल ऑफ लस्ट एंड फ्रवल्टी आर टेकन अवे तो जो दो चीज़ें हैं फिडल्स एंड फ्लूट्स इनको वापस ले लिया है और अब धीरे धीरे जैसे जैसे टी एस एलिएट ऊपर की तरफ क्या हो रहा है चल रहा है चढ़ रहा है धीरे धीरे वो अपना जो पास्ट है उसे छोड़ता जा रहा है और जो एक स्थिति है उसके स्लीप और वेकिंग के बीच की जो स्थिति है उसको क्या किया जा रहा है आ, वो कौन कर रहा है वो स्थिति को मैरी क्या कर रही है मीन्स अगर हम स्लीप को मान के चलें कि उसकी जो पुरानी लाइफ है टी एस सिलियट की वो एक नींद की तरह थी मीन्स वो नींद में था लेकिन अब वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो क्या हो रहा है जाग रहा है अब आगे चल के देखते हैं कि इसमें अब आप लोगों को देख दिख रहा होगा कि जो टी एस सिलियट है वो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है हायर विजन की तरफ जा रहा है तो वहाँ क्या है कि वहाँ उसको अच्छा फील हो रहा है उसे इनलाइटन फील हो रहा है द लेडी कैरीज़ विद ह रेस्टोरेटिव पावर दैट वर्कस ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज़ शीडिंग हंड दर्स रिस्टोर अराउंड ह द न्यू वर्ड ब्रिंग्स बैक द एशंट राइम एंड टाइम इज रिडीम्ड द थीम ऑफ रिबर्थ इज़ वेरी प्रेजेंट इन दीज लाइन्स अब धीरे धीरे जो है जो हमने लाइन्स पढ़ी हैं इसमें क्या है रिडीम द टाइम रिडीम द अन विजन ऑफ द हायर ड्रीम हायर ड्रीम की तरफ वो जा रहा है और यहाँ पर रिबर्थ की फीलिंग है जो टी एस एलियट है जो उसे नया फेथ मिला है और उस फेथ में उसे क्या मिल रहा है उसे रिडीम हो रहा है वो चीज़ों से और अब वो धीरे धीरे रिबर्थ की तरफ है यहां पे यू ट्री की बात होती है और एंड यहाँ पे एक सिंबल है यू यू तो ये यू ट्री की बात हो रही है और ये एंड की बात की जा रही है और डेथ की बात हो रही है क्योंकि जब डेथ होगी तभी रिवर्स होगा तो आप लोग देख सकते हैं कि रिडीम द टाइम रिडीम द ड्रीम एंड द टोकन ऑफ़ द वर्ड अनहर्ड अनस्पोकन तो यहाँ से एक डेथ की फीलिंग आती है टी एस एलियट क्या करता है कि कहता है कि अब क्या है ये डेथ है एंड आफ्टर देयर एग्जाइल की बात होती है कि जब वो वहाँ से निकल जाएंगे सो नाउ दे विल द लेडी इज़ द हेवनली वर्ल्ड द स्पीकर इज सीकिंग आउट अब वो जो हेवनरी वर्ल्ड को ढूंढने के लिए ऊपर की तरफ टी एस सिलियट चढ़ रहे हैं और अब क्योंकि रिबर्थ इस एग्जाइल के बाद होगा नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट सेक्शन स्ट्रेंज ऑफ फिफ्थ इफ द लॉस्ट वर्ड इज़ लॉस्ट इफ़ द स्पेंट वर्ड इज स्पेंट इफ द अनहर्ड अनस्पोकन स्पोकन वर्ड इजोकन अनहर्ड स्टिल द अनस्पोकन वर्ल्ड The word unheard, the word without a word, the word within, the word and for the world. And the light shone in darkness, and against the word, the unstilled the world still world about the center of the silent word. O my people, what have I done unto thee? Where shall the word be found? Where will the word resound? not there there is not enough silence not on the sea or on the island not on the mainland in the desert or the rain land for those who walk in darkness both in the daytime and in the night time the right time and the right place are not there no place of grace for those who avoid the face no time to rejoice for those who walk among noise and deny the voice will the veiled sister pray for those who walk in darkness who chose thee and oppose thee those who are torn on the horn between season and season time and time between hour and hour word and word power and power those who wait in darkness will the veiled sister pray for children at the gate who will not go away and cannot pray? Pray for those who choose and oppose, O oh, my people. What have I done unto thee? Will the veiled sister between the slander yew trees, uh, yew trees, pray for those who offend her and are terrified and cannot surrender and affirm before the world and deny between the rocks in the last desert before the last blue rocks? The Desert in the garden and garden in the desert of drows spitting from the mouth of the withered apple seed. Oh, my people! So, we will go through this one now. Uh, from the first stanza. first of all, let's talk about uh, you know the idea what is given in the part fifth job stanza fifth. The speaker question is if the lady. विल प्रे फॉर दोज हु वॉक इन डार्कनेस इन दर्ल्ड विद ऑल इट्स टेरर एंड डिन तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो इसको हम अगर समराइज़ करें एक लाइन में बोलें तो यहाँ पर जो स्पीकर है टी एस एलिएट है वो लेडी से क्वेश्चन करता है जो प्रीवियस हमने इस चेंजर में जिसका डिटेल पढ़ा था उसमें ये कहता है कि आ, क्या जो लेडी है वो उनके लिए भी प्रे करेगी जो कि डार्कनेस में अभी तक चल रहे थे so in this whole uh, stanza you can see uh, he repeats a word okay the word word तो so, यहाँ पे जो word शब्द का जो repetition है इसका मतलब है Christ okay so Christ से या हम कहें कि reference है Christ का uh, so he says that कि जो word है अगर वो unheard है unspoken है इस दुनिया में कहने का मतलब है जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं तो Christ का मतलब है कि uh, समथिंग लाइक गॉड कि गॉड से रिलेशन है उसका लेकिन अगर वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है मीन्स गॉड एग्जिस्ट करता है क्राइस्ट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है और जो ये स्टेंजा है टोटल जो स्टेंजा है वो लिया गया है आपका इम्रोप एरिया से ऑफ द गुड फ्राइडे सर्विस ना इफ़ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन नेक्स्ट स्टेंजा Now in stanza third he asks the person that resound means where it will resound, where uh, people will listen to the word means where we can see the God is uh, uh, darkness. वर्ड जो गॉड का या क्राइस्ट का जो सिंबल है क्या वो दिखाई देगा तो वो कहता है कि नॉट दिया मींस यहाँ नहीं दिखाई देगा क्योंकि यहाँ इनफ साइलेंस नहीं है कहने का मतलब है लस्ट ग्रीड और सारी चीज़ें यहाँ पर हैं ये कहीं आ, डेजर्ट में सुनाई दे सकता है या कहीं सी में सुनाई दे सकता है नो टाइम टू रिजॉयस यहाँ पे लास्ट वाली लाइन देखते हैं मीन्स आइडिया देखिए कि पूरा जो फिफ्थ वाले में आइडिया है वहाँ पे वर्ड की बात हो रही है कि वो जो वर्ड है अनहर्ड वर्ड है अनस्पोकन है उसको नहीं सुन पा रहे हैं लोग और वो अनहर्ड क्यों है क्योंकि इतना ज़्यादा शोर है हम लोग चीज़ों में क्या हो चुके हैं इन्वॉल्व हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू टी एस एलियट लर्स्ट ग्रीड एंड अदर थिंग्स सो यहाँ पे वो कहते हैं कि नो टाइम टू रिजॉयस फॉर दोज हु वर्क अमंग नॉइज एंड डिनाई वॉइस और जो इंसान है वो क्या नहीं है वहाँ पे वो रिजॉइस नहीं उनको मिल पा रहा है नो टाइम टू rejoice क्योंकि वो नॉइस और उस वॉइस को डिनाई कर रहे हैं जिसको कि एक्चुअल में सुना जाना चाहिए जो वॉइस ऑफ क्राइस्ट है नीचे वाले में देखते हैं नेक्स्ट जो स्टेंजा है विल द वेल्ड सिस्टर प्रे फॉर तो यहाँ पर वो जो मैरी फिगर था ऊपर आप लोगों ने देखा कि मैरी फिगर है उसको पूछ रहा है कि क्या ये जो मैरी फिगर है ये सभी के लिए प्रे करेगा दोज हु वॉक इन डार्कनेस जो डार्कनेस में है क्योंकि जो टी एस एलियट है वो भी अभी क्या है डार्कनेस में एंड हु चूज़ दी एंड अपोज दी तो और जिसने क्या किया कि जो मैरी है जो वेल्ड सिस्टर थी क्या वो सभी के लिए प्रे करेगी अब यहाँ पर एक आता है कि हु वॉक इन डार्कनेस यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि वो जब न्यू फेथ की तरफ जा रहा है ठीक है क्योंकि एंग्लिकन चर्च को एंग्लिकनिज़म को उसने ले लिया था टी एस सिलियट ने तो टी एस एलियट ये सोच के चल रहा है कि जो मेरे अंदर जो लॉस ऑफ फेथ है अब क्या वो आगे जाकर वो ठीक हो जाएगा जब मैं वहाँ पे जाऊँगा यह कन्फ्यूजन है उनके अंदर इन डार्कनेस विल द वेल्ड सिस्टम प्रे देखिए दोबारा से ये रिपीटिशन है मींस उस पर फोकस है कि क्या जब मैं नए उसमें फेथ में, में जाऊँगा तो क्या मीन्स uh, वहाँ मुझे एक्सेप्टेंस मिलेगा बिकॉज आई वॉज यू कैन से सिनर वो खुद को सिनर मानते हैं और क्या वो हु विल नॉट गो अवे एंड कैन नॉट प्रे और क्या वो फॉर द गेट्स एट चिल्ड्रेन एट गेट जो गेट पर खड़े हैं जो बच्चे तो उनके लिए मींस जो अभी तक क्या थे आ, कहने का मतलब ये है कि अभी गेट पर खड़े होने का मतलब है कि इस फेथ से न्यू फेथ की तरफ आ, जो स्पीकर है वो जा रहा है और उसे कंफ्यूजन है अभी कि क्या जो फिगर मैरी था उसको उसके लिए भी वही क्योंकि वो डेडिकेटेड है आगे जाने के लिए तो क्या उसके लिए भी प्रे किया जाएगा सो नाउ वी विल गो थ्रू द फिफ्थ सिक्स एंड सेवंथ स्टेंजर सो हियर यू कैन से ओ माई पीपल वट आई डन एंड टू विल द वेल्ड सिस्टर बिटवीन दिस लैंडर यू ट्रीज प्रे फॉर दोज हु ऑफ एंड आर टेरिफाइड एंड कैन नॉट सरेंडर सो दिस लाइंस ही हैज द सेम क्वेश्चन दैट यू ट्रीज़ प्रे फॉर दोज हु ऑफ एंड हर तो सारा का सारा जो आइडिया है इन लाइन्स में वो यही है कि क्या वो प्रे जो पिछले लाइन्स में भी उन्होंने किया था यहाँ पर रिपीटिशन है फिर से कि जो वर्ल्ड सिस्टर है क्या वो सभी के लिए प्रे करेगी नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्टेंजर ऑल दो आई डू नाट होप टू टर्न अगेन ऑल दो आई डू नाट होप ऑल दो आई डू नाट होप टू टर्न Wavering between the profit and the loss in this belief transit where the dream dreams cross. The dream crossed street light between birth and dying. Bless me, Father, though I do not wish to wish these things from the wide window towards the grey night shore. The white sails still fly seaward, seaward flying unbroken wings and the lost heart stiffens and rejoices in the lost lilac and the lost sea voices and the weak spirit quickens to revel for the bent golden rod and the lost sea smell quickens to recover the cry of quail and the whirling flower and the blind eye recreates the empty forms between the hour gates, and its smell renews the salt favor savor of the sandy earth this is the time of tension between dying and birth, the place of solitude where three dreams cross between blue rocks. But when rejoice shaken from the yew tree drift away, let the other yew be shaken and reply, blessed sister, holy mother, spirit of the fountain, spirit of the garden, suffer us not to mock ourselves with falsehood, teach us to care and not to care, Teach to sit still. Even among the rocks are peace in His will, and even among these rocks, Sister Mother and Spirit of the River, Spirit of the Sea, suffer me not to be separated and let me cry, Come unto Thee. Now let's go through the summary of all what we read just now. Uh, in section six, द स्पीकर मूव्स फ्राम एश वेंसडे टू गुड फ्राइडे जैसा मैंने कहा था कि जो फोर्टी डेज़ का पीरियड होता है राइट फोर्टी डेज़ का और उसके बाद क्या आता है गुड गुड फ्राइडे आता है तो ये जो फोर्टी डेज़ का पीरियड होता है इसे लैंड कहा जाता है और लैंड का जो लास्ट डे होता है वो गुड फ्राइडे होता है सो so, ये क्या है कि वेंसडे से गुड फ्राइडे की तरफ आ रहा है मीन्स अब उसने वो फोर्टी डेज़ का जो फास्टिंग का पीरियड होता है उसने सारी चीज़ें कर ली हैं और फाइनली ही हैज़ गॉन थ्रू द यू नो दिस प्रोसेस और अब उसने कुछ अचीव कर लिया है मींस अब वो प्योरिटी अचीव कर रहा है और ये जो फाइनल डे होता है उस दिन क्रूसिफिकेशन की बात होती है मींस लास्ट डे जो था उसे क्रूसीफाई किया गया था जीसस को द फर्स्ट स्टेंजा रिपीट द ओपनिंग स्टेंजा ऑफ द पॉइंट तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि यहाँ पे क्या है कि पूरा ओपनिंग लाइन है और आप लोग ये भी देख सकते हैं कि जो ओपनिंग लाइन है उसमें क्या है बिकॉज़ आई डू नॉट होप टू टर्न अगेन ये फर्स्ट स्टेंजा में क्या था बिकॉज़ uh, वर्ड था लेकिन जो लास्ट वाले में है यहाँ पे ऑल द वर्ड रिपीट हुआ है ओके okay. सो so, यहाँ पर क्या है कि द फर्स्ट स्टेंजर रिपीट्स द ओपनिंग स्टेंजर ऑफ द पोइम चेंजिंग द वर्ड बिगेस्ट टू ऑल द वल द फोर्थ स्टेंजर कॉशनस वंस अगेन नॉट टू बी डिस्ट्रिक्टड बाय वर्ल्डली थिंग्स कि जो बाकी चीज़ें हैं वर्ल्डली थिंग्स हैं उनसे हमें डिस्ट्रिक्ट नहीं होना है देन द स्पीकर रिवील्स द लेडी द मैरी फिगर एज रि इनकारनेशन ऑफ द हॉली स्प्रिट एंड डायरेक्ट्स टू हर ए हिज आर्यर प्लीट गॉड टू टीच अस टू केयर एंड नॉट टू केयर टीच अस टू स्टिल और यहाँ पे फिर से वो हॉली जो मैरी फिगर थी उसको रेन का नेशन मानता है हॉली स्प्रिट का टी एस एलिएट और कहता है कि हमें क्या है टीच अस टू तो सिट स्टिल मीन्स हमें शांत रहना है क्यों शांत रहना है ओपर वर्ल्ड जो उसे सुनने के लिए हमें शांत रहना है वी हैव टू बी अवे फ्रॉम अदर डिस्ट्रैक्शनस जो अदर डिस्ट्रैक्शन है उनसे दूर रह है। The हैं with पॉइमेंट्स from प्रेयर फ्रॉम साम्स एंड लेट मी क्राई कम इन टू दी ये जो है ये ये एक साम है जो क्रिश्चैनिटी का उससे लिया गया है और इसमें हम एस वेंसडे फिर से हम अगर आप लोगों ने देखा ही है कि ये क्या है आप लोगों का ये आपका एनाफोरा है एनाफोरा तो आप मुझे लगता है कि जिसने ये पॉइंट पढ़ ली हुई साथ में मेरे इतने लंबे लंबे टाइम तक तो उसमें क्या है एनाफोरा आप कभी लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे सो so, एनाफोरा फिर से रिपीट होता है एंड द वर्ड बिकॉज हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद ऑल ये हम बात कर चुके हैं ऑल दो वर्ड से रिप्लेस कर दिया गया है एंड दिस ओपन्स अप द पॉसिबिलिटी दैट थिंग्स आर एक्चुअली गोइंग टू चेंज फॉर हिम और ऑल जो वर्ड है वो ये शो करता है क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि जो ऑल है क्या रिप्रेजेंट करता है और uh, जो रिप्रेजेंट करता है वो ये पॉसिबिलिटी है कि क्या पता ये चीज़ें चेंज चीज़ हो जाए ही डज नॉट होप टू टर्न इन दर्ल्ड कैन द वर्ल्ड एज ही यूज टू एंड अब वो वापस नहीं जाएगा एंड द होपलेसनेस ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा इज़ गॉन अब जो फर्स्ट स्टेंजा में उसका ये था कि होपलेसनेस दिखाई गई थी अब वो जा चुकी है और द विंग्स आर डिपिक्टेड एज सेल्स दैट फ्लाई सी वर्ड एंड दे आर नो लॉन्गर ब्रोकन और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जब वो न, आगे हमने देखा था पहले कि जो विंग्स थे उन पे उसे भरोसा नहीं था पॉइंट को लेकिन अब उससे क्या है होप hope, होपलेसनेस जा चुकी हैं और ये अब क्या हो रहे हैं सीवर्ड फ्लाइंग करना शुरू कर चुके हैं uh, अगर हम आगे देखेंगे द स्पीकर मेडिटेट्स ऑन एवरी थिंग डैट ही हैज़ दस बीन स्पोकन अबाउट फ्रीडम होप फेथ एंड स्टॉकिंग नेचर ऑप्सिन अब वो सारी चीज़ें क्या करता है एंड दी लॉस्ट हार्ट स्टीफनस एंड रिजॉयसेस अब उसका जो लॉस्ट हार्ट था अब वो रिजॉय कर रहा है ही इज चेंज देट इज़ क्लियर बट स्टिल कॉशियस द री रीडर्स टू रिमेम्बर द सिन एंड कीप फ्राम फॉलोइंग बैक इन टू ओल्ड पैटर्न और वापस उन्हीं पैटर्न में वो नहीं जाना चाहता इट इज़ अ टाइम ऑफ टेंशन ही स्टेट्स बिटवीन डाइंग एंड बर्ड और दोनों ये जो है ये किसके बीच में है डाइंग एंड बर्स के बीच में है मतलब जो चेंजिंग उसके अंदर आई है जो चेंज उसके अंदर आया है तो फेथ के बीच में जो चेंज आया है वो क्या है डाइंग एंड बर्थ के जैसा है और लास्ट स्टेंजर में हम देखेंगे तो यहाँ पे वो वो कहता है कि ब्लेस्ड सिस्टर हॉली मदर नीचे देखते हैं ब्लेस्ड सिस्टर हॉली मदर फिर से दोबारा से ही रेफर्स टू हर एज ए स्प्रिट ऑफ द गार्डन एंड आस्क फॉर हर हेल्प अवॉइडिंग फॉल्सुड ऑफ़ द पास्ट और दोबारा वो कहता है कि हमें क्या करना है आपको बचाना है ये प्रेयर है ब्लेस्ड सिस्टर हॉली मदर स्प्रिट ऑफ फाउंटेन स्प्रिट ऑफ गार्डन इनको वो करने की कोशिश कर रहा है सफ़र अस नॉट टू मॉक आवर सेल्फ विद फॉल्स टीच अस टू केयर एंड नॉट टू केयर टीच अस टू सिट स्टिल स्टे स्पीकर आल्सो सिक्स आउट द एबिलिटी टू बी एट पीस हिज विल अमंग दी तो पीस में क्यों जाना है क्यों शांति से रहना है क्योंकि वो चाहता है कि अब वो उस फॉल्स की लाइफ में ना जा पाए पीछे न जाए आवर पीस इन हिज विल ओके तो ये लास्ट है ही इज कमिंग रिकनसाइल्ड टू हिज ह्यूमेनिटी एंड दाइप इच कॉस्ट हिम एट द बिगनिंग ऑफ द पॉइम इज़ नो लॉन्गर प्रेजेंट सो यू कैन सी अब जो फाइनल है वो वापस जो फाइनली जो पॉइंट है वो पीस में है ही इज़ एट पीस ही इज सिटिंग स्टिल ही इज अवे फ्रॉम द फॉल्स हु और अब वो इन चीज़ों से दूर हो चुका है और फाइनली अब वो रिजॉयस कर रहा है खुश है अपने नए फेथ के साथ में होपलेसनेस जा चुकी है तो एक जो होपलेसनेस जो शुरुआत की पोइट्री में आप लोगों ने देखी और लास्ट में आप लोगों ने देखी कि वो उस वो होपलेसनेस जा चुकी है तो ये जो पूरा डिस्कशन है पोइट्री का वो हमने किया होपफुली यू लाइक दैट एंड द वीडियो वॉज़ वर्थ वॉचिंग आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस वीडियो से इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ टू शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल मिलते हैं अगले वीडियो में